मान साहब का फोन आया कि कॉलेज वाले नु कह दी, प्रिंसीपल साहब नु कह दी, मैनेजमेंट नु कह दी कि तुसी मंगा नहीं मंगनिया, तुसी अपने हक मंगने। साडी जे दोस्ती की गल करिए, लाइब्रेरी के पिछे एक बोर्ड सीगा, बोर्ड के थले मेरी ते मान साहब की मुलाकात हुई सी पहली। तो बोर्ड दी जिवें जड़ां डूंघियां हुंदियां ने, शायद साडी यारी दी भी उसे तरह जड़ां ने। जदों कितें असीं कंपीटीशन लड़न जांदे, कई बार भाषण मुकाबले हुंदे सी, ते एक हक च बोलदा हुंदा सी ते एक विरोध दे विच, ते जिहड़े लैक्चर लिखे जांदे सी, जे मैं हक च बोलना हुंदा तां इहनां दे विरोध दे विच, उह दोनों लैक्चर इही लिख के दिंदे सी। जिहड़ा बंदा छत ते बैठ के कॉलेज आउंदा सी, अज उह हैलीकाप्टर ते उतरिया, साडे लई सब तों वड्डी मान। कई कॉलेजां दे विच हुंदा साडे कोल इन्ने IAS गए, इन्ने PCS गए, पर इत्थे पंजाब दी सब तों वड्डी कुर्सी ते जो विराजमान ने इस कॉलेज नूं, उह जी किवें हो सुनाम वालिओ, क्या बात है, स्वाद लिया दिंदे हो। इलाका इलाका ही हुंदा है। सो सब तों पहलां मुख मेहमान जी, प्रिंसीपल साहब, प्रोफेसर साहबान ते मेरे प्यारे विद्यार्थियो, सब तों पहलां मैं यही गल कहण लगा भी मैनूं ऐ लगदा भी मैं इत्थों गया ही नहीं अजे, इत्थे ही पढ़ रहा हुंदा जिवें, क्योंकि इसे लैक्चर स्टैंड तों, इसे स्टेज तों मेरी ते मान साहब की शुरुआत हुई सी। बाकी ये जिते प्रोग्राम उलीकिया गया सी, उत्ते जदों पता लग्या तां मान साहब का फोन आया कि कॉलेज वालिआं नूं कह दी, प्रिंसीपल साहब नूं कह दी, मैनेजमेंट नूं कह दी कि तुसी मंगा नहीं मंगणियां, तुसी अपने हक मंगणे ने। मैं मंगा मंगण वाले कॉलेज होर ने, इत्थे तुहाडा हक बणदा है। मैनूं ऐ लगदा भी मंगा भी बहुत थोड़ियां ने, जिन्ना कुछ इन्हां ने दे के जाणा हो सकदा तुहानूं पता ही ना होवे। सो साडे मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी, साडे मानयोग मंत्री साहब अमन अरोड़ा जी, वरिंदर वकील जी, साडी भैण भरा जी कुदनी जी, चेयरमैन साहब, सारे नूं जी आया, जिन्ने साडे मित्र बैठे ने सारे नूं जी आया, पम्मी बाई होणा नूं, लाली बाई होणा नूं। सो सारे जिन्ने भी ऑफिसर साहबान आए हैं साडे मानयोग, इको मैनूं जिन्हां कोलों मैं पढ़िया मैडम शमशेर जी बैठे ने, और सानूं माण है कि असीं इन्हां कोलों पढ़े हाँ। सो बड़ा चंगा लगता जदों कॉलेज दे विच आउने आ। साडी जे दोस्ती दी गल करिए, लाइब्रेरी दे पिछे एक बोर्ड सीगा, बोर्ड दे थले मेरी ते मान साहब दी मुलाकात हुई सी पहली। ते बोर्ड दीआं जिवें जड़ां डूंघियां हुंदियां ने, शायद साडी यारी दीआं भी उसे तरह जड़ां ने, शायद तां ही रब ने उस बब बनाया कि बोर्ड थले साडी यारी लगी। सो जदों कॉलेज पढ़दे सी, मान साहब दा जिहड़ा पंजाब प्रति दर्द सी, उहनां दीआं सकिटां चों, उहनां दे गीतां चों झलकदा सी। जदों कितें असीं कंपीटीशन लड़न जांदे, कई वारी भाषण मुकाबले हुंदे सी, ते इक हक च बोलदा हुंदा सी ते इक विरोध दे विच, ते जिहड़े लैक्चर लिखे जांदे सी, जे मैं हक च बोलना हुंदा तां इहनां दे विरोध दे विच, उह दोनों लैक्चर इही लिख के दिंदे सी वी तूं मेरे विरुद्ध इह बोलणा है। सो इत्थे एक खंभा जिहा होऊगा, इत्थे लग्गिया हुंदा सीगा एक छोटा जिहा रेडियो हुंदा, उहदे रेडियो दे उत्ते ही सैल पाए हुंदे ते रबड़ दे नाल चढ़ाए हुंदे, ऐ खंभे नाल लगे खड़े हुंदे, कदे क्रिकेट दी कमेंटरी सुन रहे हुंदे। एक रगबी गेम है, सानूं उहदा नाम भी लैणा नहीं आउंदा जदों उहदी कमेंटरी सुणदे हुंदे रेडियो ते। सो पहले दिन तों चाहे कोई दुनिया दा कोई पॉलिटिक्स दा मुद्दा है, चाहे कोई खेड दा है, किसे भी फील्ड दा, इन्हां तों कोई लुकिया नहीं हुंदा सी। जदों असीं एक ये भी माण वाली गल है कि जिहड़ा बंदा सानू स्टूडेंटां नू सीट तां मिलदी नहीं हुंदी सी, बस दे छत ते बैठ के आउंदे हुंदे सी, भी जिहड़े मुफ्त वाले ने उह छत ते बहि जाओ। जिहड़ा बंदा छत ते बैठ के कॉलेज आउंदा सी, अज उह हैलीकाप्टर ते उतरिया, साडे लई सब तों वड्डी माण दी गल। सो जिहड़ा कॉलेज है, मेरा ख्याल है भी पंजाब का पहला कॉलेज होगा, नहीं तो जिन्हें भी मुख्यमंत्री होए ने, कोई लाहौर पढ़ते सी जां किते होर जगह ते पढ़ते सी, पर एक बहुत जिन्हों छोटा कस्बा समझा जाता है उस कॉलेज दे विच, कई कॉलेजों के हुंदा साडे चों इन्ने IAS गए, इन्ने PCS गए, पर इत्थे पंजाब की सब तो वड्डी कुर्सी ते जो विराजमान ने इस कॉलेज ने, उह चीज दित्ती।
सो सानू माण है कि साढ़े पिछड़े इलाके चो, क्योंकि जो भी पॉलिटिक्स जो पॉलिटिशियन है सारे पुराने देखे होंगे, वह वड्डे घराणियां चो जिन्हां दे मतलब पता ही नहीं किन्नियां जायदादां होणगियां, एक नवे जिहड़े एक पंजाब नूं नवां सूरज चढ़िया, एक आम घर दा मुंडा मुख्यमंत्री सिर्फ 12 साल दा पोलिटिकल कैरियर होवे ते मुख्यमंत्री दी कुर्सी ते बैठे, सानू इस गल दा माण है कि साडे कॉलेज दा स्टूडेंट भाई भगवंत मान। सो बाकी काफी गल्लां नूं मान साहब भी दसणगे, साडे कॉलेज दे विच किवें कंपीटीशन ते लड़ असीं कंपीटीशन लड़ जांदे होंदे, साडे कॉलेज दे कोले ग्रांटां बहुत घट हुंदियां सी, सानू बस दा किराया देण नूं भी नहीं हुंदा सी, असीं कोई ना कोई जुगाड़ करके जांदे हुंदे असीं काफी। बाकी हुण मान साहब दसणगे, गीत कह रहे ने, चलो जी यारा वे भी गाऊंगा, पर एक मान साहब ने लिखा जदों प्लस वन च हुंदे सीगे, इह इहनां ने मैं तां गाऊंगा ओह भी गाऊंगा, हाँ कमियां दा बेड़ा भी गाऊंगा। मान साहब दा गीत जदों प्लस वन दे विच पढ़दे सीगे उदों दा लिखिया हुआ गीत है, रात असीं काफी मित्र कट्ठे होए सीगे, कहिंदे भी ओह गीत जरूर सुनाउणा। पता की है तैनूं इत्थे होया की है हाल साडा, होया की है तैनूं इत्थे होया की है हाल साडा, जिउंदे रहे ना असीं मरदे सरुआं नूं फुल आ गए है, सरुआं नूं फुल आ गए, पर तू ना आई बे दरदे सरुआं नूं फुल आ गए है, सरुआं नूं फुल आ गए। थैंक यू। सो जेड़े गीत तो शुरुआत हुई मरहूम कवि संत रामदास जी इनकलाबी कलम तो उपजिया गीत कमियां दा वेड़ा, मां धरती है तेरी गोद नूं चन होर बथेरे, मां धरती है तेरी गोद नूं चन होर बथेरे, तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े, तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े, जिथे तंग ना समझ तंगिया नू, जिथे मिलने अंगूठे संगिया नू, जिथे वाल तरस दे कंगिया नू, नक वगदे अखा चुनिया ते दंद करेड़े, तू मगदा रही वे सूरजा कमिया दे वेड़े, तू मगदा रही वे सूरजा कमिया दे वेड़े।